नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की परिचर्चा में मैं आपको मोती रत्न पहनने से व्यक्ति को जीवन में क्या लाभ स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं यह बताऊंगा। मोती रत्न सूट ना आने पर, अनुकूल ना होने पर किस प्रकार की हानियां आपको कर सकता है, किन किन राशि एवं लगन वाले जातकों को मोती पहनना चाहिए, किन राशियों को मोती बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए, मोती खरीदते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किस देश का मोती सबसे बेहतर आता है, तमाम तरह की परिचर्चा होगी। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए और बहुत अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए साथियों, विषय में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, मोती रत्न आपको यदि सूट करता है तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन, किस प्रकार के बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। साथियों, चंद्रमा मनसो जाते, हमारी ज्योतिष में चंद्रमा मन के प्रतिनिधि होते हैं और हमारी पृथ्वी के सबसे समीप का जो ग्रह है वह चंद्रमा है। चंद्रमा के कारण ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है। चंद्रमा और हमारी पृथ्वी कहीं ना कहीं एक दूसरे की ग्रेविटी से कनेक्टेड हैं। मैं बताना चाहता हूँ, चंद्रमा और हमारी पृथ्वी का सीधा सीधा संबंध है। चंद्रमा मन के प्रतिनिधि होते हैं। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण होता है। मन ही व्यक्ति के सुख और दुख का कारण होता है। मोती रत्न धारण करने से, बशर्ते आपका मोती रियल होना चाहिए, मोती धारण करने से व्यक्ति के जीवन में मानसिक शांति होती है। अच्छी इनकम होने के बाद, परिवार संपन्न होने के बाद भी जिन लोगों के मन में शांति नहीं है, मानसिक शांति को बढ़ाता है मोती रत्न। मेंटली वीकनेस होने पर, जिस व्यक्ति के अंदर मानसिक कमजोरी है, जो व्यक्ति सही से सोच नहीं पाते, सही से निर्णय नहीं ले पाते, उन्हें मोती पहनना चाहिए। जो लोग बात बात में हर्ट होते हैं, छोटी छोटी बातों को दिल पर ले जाते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, टेंशन तनाव, घर में किसी ने कुछ बोल दिया, या प्रेम संबंधों में जिन्हें छोटी छोटी बातों में हर्ट होने का एक समस्या है, उन लोगों को मोती अवश्य पहनना चाहिए। साथियों, मोती रत्न पहनने से शरीर में जल संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हैं, शरीर में आपके ब्लड का अनियंत्रित होना, अदरवाइज किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन आपके ब्लड में या जल संबंधित जो भी समस्या है वह दूर होती है। शुद्ध मोती पहनने से व्यक्ति के चेहरे की खूबसूरती बढ़ती है, उसका चेहरा चंद्रमा के जैसा चमकदार हो जाता है। साथियों, अब परिचर्चा कर लेते हैं, मोती रत्न किन किन राशि एवं लगन वाले जातकों को लाभ करता है, उसके बाद में किस देश का मोती सबसे अच्छा होता है यह बताऊंगा। मेष लगन वाले जातकों को मोती भूमि भवन और वाहन की प्राप्ति के लिए, सुख प्राप्ति के लिए, माता के उत्तम स्वास्थ्य के लिए धारण करना चाहिए। मेष लगन एवं राशि में मोती रत्न व्यक्ति को विशेष फायदा करता है, उसके जीवन में सुख और स्थिरता देता है। कन्या राशि वाले जातक मोती पहन करके लाभ उठा सकते हैं। तुला और वृश्चिक लगन एवं राशि वाले जातकों को भी मोती रत्न फायदा करता है। साथियों, सिंथेटिक मोती बहुत ज़्यादा बाजार में है, सिंथेटिक मोती से बचें। साउथ सी का मोती आजकल कम खर्चे में मिल जाता है, प्रचलन में है, रियल भी होता है, लाभ भी करता है। और यदि आपको बसरा माइन का मोती कहीं से मिल जाए, वह महंगा होता है। बसरा माइन का जो मोती है वह एक काफ़ी ज़्यादा महंगा रत्न है, लेकिन वह सीप के अंदर पैदा होता है, रियल मोती होता है और कम टाइम में चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में परिवर्तन करने में सक्षम होता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा का संयोग है,
एक दूसरे से नवम पंचम है, तो गज केसरी योग को फलीभूत करने के लिए आपको मोती पहनना चाहिए। बस्त्रा का मोती नंबर एक का होता है, उसके बाद वेनेजुएला कंट्री से भी बहुत बढ़िया क्वालिटी के मोती आते हैं। बस्रा और वेनेजुएला के बाद में नंबर आता है साउथ सी मोती का। मोती लैब टेस्ट कराकर ही खरीदे। मोती रत्न के जितना बढ़िया बेस होगा, जितनी बढ़िया वाइटनेस होगी, उतना ज़्यादा बढ़िया आपका मोती, उतनी उच्च श्रेणी का माना जाता है। अब बताता हूँ मोती रत्न धारण करने की विधि। मोती रत्न को सोमवार के दिन प्रातःकाल सूर्य उदय से लेकर के एक घंटे बाद तक चंद्रमा की होरा में धारण करना चाहिए। धारण करने से एक घंटा पहले कच्चे दूध में मोती की अंगूठी भिगो करके रख दें। उसके बाद में ओम नमः शिवाय इस मंत्र का अधिकाधिक जाप करके आप कनिष्ठा उंगली में मोती रत्न धारण कर सकते हैं। मोती रत्न चांदी की अंगूठी में ही पहनना चाहिए। मोती रत्न पहनने वालों को सोमवार का व्रत करना चाहिए। सोमवार के दिन सफ़ेद वस्तु, चीनी, चावल, सफ़ेद कपड़ा, चांदी आदि का दान कर सकते हैं। चंद्रमा से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु, रुई या रुई से बने हुए जो पदार्थ हैं, दूध या दूध से जो बने हुए पदार्थ हैं, उनको आप दान कर सकते हैं। साथियों, मोती एक चमत्कारिक रत्न है और रियल मोती वास्तव में ही महंगा मिलता है। और इतना ही कहना चाहूँगा, लैब टेस्ट करा करके आप खरीदिए। आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए, राशि रत्न खरीदने के लिए प्रातःकाल 9 बजे से रात्रि 11 बजे तक मुझे फ़ोन कॉल या व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं। मिलेंगे किसी ऐसी ही शानदार सी वीडियो में भी निकट भविष्य में भी, मुस्कुराते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।